पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एक दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का तरीका को सीखा है पावर सीरीज मेथड को यूज करके। और इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम लोग निकालते हैं फ्रोबेनियस मेथड को यूज करके। क्या कंडीशंस होते हैं जब हम लोग पावर सीरीज के जनरल फॉर्मेट को ना यूज करके फ्रोबेनियस मेथड को यूज करते हैं। फ्रोबेनियस मेथड जो कि एक एक्सटेंडेड पावर सीरीज मेथड है, तो क्यों हम लोगों को उसको यूज करना होता है, क्या उसके कंडीशंस होते हैं, और उस फ्रोबेनियस मेथड को यूज करके हम लोग कैसे उस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसके क्या क्या वर्किंग रूल्स होते हैं, क्या स्टेप्स हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। चलिए आज के वीडियो में हम लोग फ्रोबेनियस मेथड को जानने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। फ्रोबेनियस मेथड का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हम लोगों को किसी भी दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स का वैल्यू रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाता है, तब हम लोग उस कंडीशन में उस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए फ्रोबेनियस मेथड को यूज करते हैं। मतलब कि इफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ एनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, देन इट्स सॉल्यूशन इज ऑब्टेंड बाय यूजिंग एन एक्सटेंडेड पावर सीरीज। कॉल्ड फ्रोबेनियस सीरीज मेथड। यानी कि फ्रोबेनियस सीरीज जो है वो पावर सीरीज का ही एक एक्सटेंडेड वर्सन है। यहाँ पे सीरीज छूट गया है, बाय एन एक्सटेंडेड पावर सीरीज कॉल्ड फ्रोबेनियस सीरीज मेथड। ये जो फ्रोबेनियस सीरीज मेथड है इसको फ्रोबेनियस के ही नाम पे रखा गया है। इस मेथड को देने वाले व्यक्ति का नाम था फर्डिनांड जॉर्ज फ्रोबेनियस, उन्हीं के ऑनर में इसको फ्रोबेनियस मेथड कहा जाता है। आज के वीडियो में हम लोग फ्रोबेनियस मेथड को निकालने का जो वर्किंग रूल्स है सिर्फ हम लोग आज उसी को देखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग फ्रोबेनियस सीरीज मेथड को यूज करके निकाल सकते हैं, उसके क्या क्या वर्किंग रूल्स होते हैं। वर्किंग रूल्स ऑफ फ्रोबेनियस मेथड। फ्रोबेनियस मेथड को यूज करके किसी भी दिए गए एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि वेदर एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। यदि वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा तभी हम लोग फ्रोबेनियस मेथड को अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज यदि वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं होता है, मान के चलते अगर वो एक ऑर्डिनरी पॉइंट होता है, तब फिर हम लोगों को जनरल पावर सीरीज मेथड जिसपे हमने लास्ट वीडियोज में हम लोगों ने उस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों को सबसे पहला स्टेप में चेक करना है कि वेदर एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और नॉट। तो पहला स्टेप हम लोग का वही होगा, चेक वेदर एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है,
तब हम लोग फ्रोबीनियस को यूज करेंगे। उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, फ्रोबीनियस सीरीज एक कंसिडर कर लेंगे कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक सॉल्यूशन होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आएगा कंसिडर अ सीरीज जिसको फ्रोबीनियस सीरीज कहेंगे, सॉल्यूशन, यानी कि हम लोगों को एक सीरीज सॉल्यूशन खुद से कंसिडर कर लेना है। कंसिडर अ सीरीज सॉल्यूशन ऑफ सीरीज सॉल्यूशन एज y इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए एन एक्स टू द पावर m प्लस एन, वेयर n इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोगों को जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसका हम लोग खुद से एक सॉल्यूशन को कंसिडर करेंगे। इसी सीरीज को फ्रोबीनियस सीरीज कहा जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने पहले से जो पढ़ करके रखा है पावर सीरीज मेथड में जो हम लोगों ने देखा था उसमें ये एम नहीं आता है उसमें, और इसमें बस यही एक डिफरेंस है कि वहां पे जो हम लोगों का सोल्यूशन होता था वो वाई इज इक्वल टू समिशन ऑफ ए एन एक्स टू द पावर एन हुआ करता था, जहां पे एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी होता था। यहाँ पे एक अलग से एक क्वांटिटी आ गई है एम, तो ये एम क्या है तो उसको भी हम लोग कह देंगे, वेयर एम इज एनी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। और हम लोग पावर सीरीज में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ए एन का स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है एट एन इज इक्वल टू जीरो दैट इज ए नॉट, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड ए नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम लोगों का सॉल्यूशन आमतौर पर ए नॉट के ही रिस्पेक्ट में मिलने वाला है। पावर सीरीज सॉल्यूशन में हम लोगों को ए वन ए नॉट के रिस्पेक्ट में मिलता था, यहाँ पे हम लोगों को आमतौर पर ए नॉट के रिस्पेक्ट में सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ये जो पावर सीरीज एक्सटेंडेड पावर सीरीज यानी कि जो फ्रोबीनियस सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं आमतौर पर एक्स इज इक्वल टू जीरो के कंडीशन में हम लोगों को पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, बट मैं यहाँ पे जनरल लेकर के चल रहा हूँ कि एक्स इज इक्वल टू जीरो ना दे, यदि कोई दूसरा पॉइंट दे दे तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो फिर उस पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम लोग एक जनरल कंडीशन ले लिए हैं कि एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स नॉट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है बट इन जनरल एक्स इज इक्वल टू हम लोग जीरो लेके कंसिडर करके चलते हैं। यदि क्वेश्चन में ये चीज डिस्क्राइब कर दिया गया है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इसको डिफाइन करना है, फाइंड करना है सोल्यूशन, तब तो वेल डिफाइंड है, एक्स इज इक्वल टू जीरो हम लोग ले लेंगे और उसी पे सोल्यूशन आगे निकालेंगे। बट यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है तब भी हम लोग आमतौर पर एक्स इज इक्वल टू जीरो ही कंसिडर करते हैं और एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ही उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जब सॉल्यूशन ऐसा कंसिडर कर लिए हैं कि y इज इक्वल टू दिस मच इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वॉट एवर दैट इज, तो उसके बाद हम लोगों को एज यूजुअल इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। गेट y1 एंड y2। तो हम लोग जब y1 और y2 निकाल लेंगे तो y1 और y2 के वैल्यू को हम लोगों का जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ होगा सेकेंड ऑर्डर का ओडी, उसमें हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिसकी जरूरत होगी उसको करेंगे, जिसकी जरूरत नहीं होगी उसको नहीं करेंगे। जैसे हम लोगों को यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है जिसमें y1 वाला पार्ट नहीं है तब y1 के वैल्यू को पुट करने की जरूरत नहीं है। कोई यदि फर्स्ट ऑर्डर का होगा तो उसमें y1 को ही हम लोग सिर्फ निकालेंगे और सिर्फ उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ y1 एंड y2 इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां तक की चीजें आमतौर पर हम लोगों ने जो पावर सीरीज मेथड में यूज किया था लगभग वैसा ही है, बस यहां पे एक अंतर आ रहा है कि यहां पे x का पावर m प्लस n हम लोगों ने ले लिया है फ्रोबीनियस के कंडीशन में। बट स्टेप्स में हम लोग सारी चीजों को उसमें भी वही करते थे, वहां पे हम लोग ऑर्डिनरी पॉइंट को चेक करते थे, यहाँ पे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट को चेक कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग एक सॉल्यूशन यहाँ पे वैसे ही मानते थे समेशन ऑफ ए एन एक्स टू द पावर एन, एन बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, और उसके बाद में हम लोग फिर वाई वन और वाई टू निकालते थे और उन सारे वैल्यूज को उसमें सब्स्टिट्यूट करते थे। अब यहाँ से इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आने वाली है, और वो चेंजिंग क्या है कि अब हम लोगों को यहाँ पे पहले एक काम कर लेना है, उसके बाद के स्टेप्स फिर से कॉमन हो जाएंगे, पावर सीरीज से फिर से मैच करना स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी हम लोगों को यहाँ पे एक स्टेप में काम करना है, वो क्या है,
कि इन सारी चीजों को जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, उसके बाद में मान लेते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स का फंक्शन है, तो हम लोगों को एक्स के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है आरएचएस से, एक्स के किस पावर वाले कोएफिशिएंट को, तो एक्स के लीस्ट पावर वाले कोएफिशिएंट को जीरो से इक्वेट करना है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे इक्वेट दी कोएफिशिएंट्स, इक्वेट दी कोएफिशिएंट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ एक्स। हम लोग यहां पे मान के चल रहे हैं कि हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स का फंक्शन है, लीस्ट पावर ऑफ एक्स टू आरएचएस। आरएचएस में जो भी चीज है, आमतौर पर हम लोगों को होमोजेनस इक्वेशंस देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस में, तो आरएचएस जीरो होगा। तो इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ एक्स टू आरएचएस, इससे क्या होने वाला है, इससे हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा इस एम के रिस्पेक्ट में, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इंडिशियल इक्वेशन कहते हैं। दिस विल गिव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन of m called indicial equation। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां से जो हम लोगों को इंडिशियल इक्वेशन मिला है, अब हम लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करेंगे। ओके, so our sixth step will be obtain the roots, in roots को indicial roots भी कहते हैं, चूंकि ये indicial equation के roots आ रहे हैं, indicial roots, obtain the roots, in roots को मान लेते हैं हम लोग m1 और m2 मान लें, m1 and m2 of m। तो ये जो m का, यहां से हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उसमें से हम लोगों को उसके दो रूट्स निकालने हैं, m1 और m2। इन रूट्स पे फाइनल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा वो डिपेंड करेगा, तो उस पे हम लोग लास्ट में आएंगे। पहले और जो कुछ स्टेप्स करने हैं, जो अब हम लोगों के पावर सीरीज वाले स्टेप से कॉमन होंगे, उनको अब हम लोग पहले लिख लें, इसको फिलहाल यहीं पे छोड़ते हैं। सेवंथ स्टेप में हम लोगों को क्या करना है कि इनको जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे वाई वाई वन और वाई टू को, तो उसके बाद में जो हम लोग का एक इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन के लाइक पावर्स वाले कोएफिशिएंट को जीरो से इक्वेट करते चले जाना है। ये वैसा ही है जैसा हम लोगों ने पावर सीरीज में पढ़ा था, इक्वेट द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स टू आर एच एस। अब इससे क्या होगा, इससे हम लोगों को एक रिकरेंस रिलेशन मिलेगा ए एन के रिस्पेक्ट में, ए एन के रिस्पेक्ट में एक रिकरेंस रिलेशन मिलेगा, और वहां से हम लोग इसके अलग अलग कोएफिशिएंट्स, ये जो है ए एन, इसको कोएफिशिएंट कहते हैं इस पावर सीरीज का, इस पावर सीरीज का, तो इसके एन के अलग अलग वैल्यूज पे इसके अलग अलग कोएफिशिएंट्स का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट के रिस्पेक्ट में, सामान्यतया ए नॉट के रिस्पेक्ट में मिलता है। तो हम लोग लिखें इक्वेट द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स टू आरएचएस, दिस विल गिव अ रिकरेंस रिलेशन ऑफ ए एन, ये ए एन के रिस्पेक्ट में आ सकता है, एन प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू उसके रिस्पेक्ट में आ सकता है, दिस विल गिव अ रिकरेंस रिलेशन ऑफ ए एन, एंड हेंस and hence we'll get the values of coefficients a1, a2, a3 and many more। तो इन सारे coefficients का value हम लोग निकाल पाएंगे उस recurrence relation को use करके। okay, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एज यूजुअल जो हम लोगों ने पावर सीरीज में किया है,
इन सारे कोएफिशिएंट्स के वैल्यूज़ को हम लोग इस कंसिडर्ड सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसका जो एक्सटेंडेड फॉर्म होगा एन का अलग अलग वैल्यू पुट करने पे इसके जो सीरीज बनेंगे उस सीरीज में हम लोग A1, A2, A3 इसके जो भी डिफरेंट वैल्यूज आएंगे उसमें से हम लोग उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट्स दैट इज A1, A2, A3 एंड सो ऑन इन द कंसिडर्ड सॉल्यूशन दैट इज y इज इक्वल टू समेशन ऑफ an x टू द पावर m प्लस n वेयर n इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब यहां से हम लोगों को y का एक वैल्यू मिल जाएगा और उस वैल्यू को हम लोग इस स्टेप के आधार पर फाइनली कुछ करेंगे जिससे हम लोगों को फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो रूट्स आए हैं M1 और M2 इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है और इनका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसके आधार पर हम लोग अगला स्टेप को डिफाइन करेंगे। तो हम लोग चेक करेंगे कि इसका रूट जो है क्या वो इक्वल है अनइक्वल है, अगर अनइक्वल है तो क्या उसका डिफरेंस इंटीग्रल है या नॉन इंटीग्रल है अनइंटीग्रल है, तो उसके आधार पर फिर हम लोग अगला स्टेप को डिफाइन करेंगे। तो हम लोग चेक करेंगे इन अकॉर्डेंस ये शायद 9th होगा, इन अकॉर्डेंस विद द रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन देयर अराइजेस 3 डिफरेंट केसेस। अब वो केसेस क्या है, पहला केस है व्हेन द रूट्स आर इक्वल दैट इज M1 इज इक्वल टू M2 और हम लोग मान लेते हैं कि ये M0 है। यदि इस इंडिशियल इक्वेशन के दोनों रूट्स M1 और M2 का वैल्यू बराबर आ जाए तो मान लेते हैं कि हम लोगों ने उसको एक नाम दे दिया M0, तब उस कंडीशन में देन द कंप्लीट सॉल्यूशन इज तब उस कंडीशन में जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो कुछ ऐसा होगा y इज इक्वल टू a y एट m इज इक्वल टू M0 प्लस b डेल y बाय डेल m एट m इज इक्वल टू M0। ये जो y है यहां पे ये फाइनल सॉल्यूशन हो गया जो कि x का फंक्शन होगा, यहां पे जो y और डेल y बाई डेल m में जो y आ रहा है वो हम लोग यहां से जो y का वैल्यू निकालेंगे सारे कोएफिशिएंट्स को पुट करके उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है और उसका वैल्यू को फिर m इज इक्वल टू M0 वो m के रिस्पेक्ट में आएगा इसमें, चूंकि यहां पर m है क्वांटिटी तो इसके जो वैल्यू जाएंगे उसमें m क्वांटिटी भी आएंगे, तो उन m के जगह में हम लोग m इज इक्वल टू M0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो इसका रूट्स आया होगा और यहां पर भी डेल वाई बाई डेल एम निकालेंगे और उसके बाद में जहां जहां पर भी एम आया होगा वहां वहां पर एम के जगह में उसका फाइनल वैल्यू M0 को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। और यहां पर ए और बी जो है वो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, हम लोग तीनों केस के बाद में उसको बता देंगे, पहले तीनों केस को डिफाइन कर ले। केस टू, केस वन में हम लोगों ने देखा कि रूट्स इक्वल होंगे तब क्या होगा, अब तो दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो रूट्स इक्वल होगा या तो अनइक्वल होगा, तो इक्वल वाला केस तो हो गया। अब देखते हैं कि यदि रूट्स अनइक्वल होंगे तब क्या होगा, व्हेन द रूट्स आर अनइक्वल
अब अनइक्वल के केस कंडीशन में दो डिफरेंट केसेस बनते हैं, जिसमें से पहला केस ये होगा, व्हेन द रूट्स आर अनइक्वल एंड देयर डिफरेंस इज नॉट एन इंटीजर। यदि उनका जो डिफरेंस है वो इंटीजर नहीं है, दैट इज M1 इज नॉट इक्वल टू M2 एंड M1 माइनस M2 इज नॉट इक्वल टू एन इंटीजर आई, यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू अगर आ जाता है तब उस कंडीशन में क्या होगा। तो हम लोगों ने इस केस में हम लोगों ने क्या देखा कि यदि रूट्स अनइक्वल होते हैं और उनका डिफरेंस एक इंटीजर नहीं होता है, यानी कि M1 इज नॉट इक्वल टू M2 एंड M1 माइनस M2 इज नॉट एन इंटीजर, तब हम लोग उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। देन दी कंप्लीट सॉल्यूशन इज, उस कंडीशन में कंप्लीट सॉल्यूशन कुछ ऐसा होता है, वाई इज इक्वल टू ए वाई एट एम इज इक्वल टू M1 प्लस बी वाई एट एम इज इक्वल टू M2। बस y की जगह y का जो भी वैल्यू आया हुआ है उसमें m की जगह में एक में m1 पुट कर देना है, एक बार m2 पुट कर देना है, एक को a से मल्टीप्लाई करके लिख लेना है, एक को b से मल्टीप्लाई करके लिख लेना है और दोनों का सम कर देना है। फाइनल हम लोग का सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन के रूप में आ जाएगा। a और b वही आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ भी, तो ये थोड़ा आसान लग रहा है देखने में। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट है केस 3। केस 3 में क्या है, सेम, जब रूट्स अनइक्वल होंगे बट उनका जो डिफरेंस है वो इस बार एक इंटीजर हो जाएगा। व्हेन दी रूट्स आर अनइक्वल एंड देयर डिफरेंस इज एन इंटीजर, दैट इज M1 इज नॉट इक्वल टू M2, M1 M2 के बराबर नहीं है एंड M1 माइनस M2 एक इंटीजर है, मान लेते हैं। अब यहाँ पे इंटीजर 0 भी होता है, तो 0 तभी होगा जब M1 और M2 बराबर हो जाएगा, तो M1 इज नॉट इक्वल टू M2 है, इसीलिए यहाँ पे 0 के अलावा इंटीजर में और कोई भी वैल्यू हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, बस 0 नहीं लेना है, क्योंकि 0 के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक स्पेशल केस ले लिया है। यहाँ पे 0 तभी हो पाएगा जब M1 और M2 बराबर होंगे, और M1 और M2 जब बराबर होगा उसके लिए हम लोग एक सोल्यूशन, यहाँ पे सोल्यूशन निकालने का जो तरीका है वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप यहाँ पर भी अगर 0 बनाएंगे तो भी यही सेम सोल्यूशन आएगा, क्योंकि उस कंडीशन में जो जनरल जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा, देन द कंप्लीट सॉल्यूशन इज सेम इसी के जैसा होगा, वाई इज इक्वल टू ए वाई एट एम इज इक्वल टू M1 प्लस बी डेल वाई बाई डेल एम एट एम इज इक्वल टू M2। तो यदि हम लोग ये मान भी लेते हैं कि आई का वैल्यू इंटीजर यहाँ पे 0 आ जाता है, वो एक पर्टिकुलर इंटीजर 0 अगर होता है, इट मीन्स M1 इज इक्वल टू M2 हो जाता है, तब यही चीज़ सेम चीज़ है। आप देखें M1 और M2 दोनों का वैल्यू सेम है, हम लोगों ने उसको M0 मान लिया है, तो एग्जैक्टली सेम सोल्यूशन निकालने का तरीका है। तो ये केस 3 और केस 1 एग्जैक्टली एक ही जैसा है, हम लोग इन दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग बता दिया कि यदि इक्वल है तो ये होगा, अनइक्वल में दो कंडीशंस हैं, यदि इंटीजर उसका डिफरेंस होता है तब इसको फॉलो करेंगे, यदि उसका डिफरेंस इंटीजर नहीं होता है तब हम लोग इसको फॉलो करेंगे। तो दीज आर दी वर्किंग रूल्स टू गेट अ सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग एन एक्सटेंडेड पावर सीरीज मेथड विच इज कॉल्ड फ्रोबीनियस मेथड। और फ्रोबीनियस मेथड को देने वाले व्यक्ति का नाम था फर्डिनांड जॉर्ज फ्रोबीनियस। तो यही कुछ स्टेप्स थे,
और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड सॉल्यूशंस को देखना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वर्किंग रूल्स के स्टेप्स समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में जब हम लोग इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स स्टार्ट करेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तब तक आप लोग वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आपका आज का दिन मंगलमय हो। थैंक यू।